फ्रेंड्स, वेलकम टू द कार गाइड। मेरा नाम है ऋषभ और मेरा काम है आप तक लेकर आना लेटेस्ट कार्स की न्यूज़, ऑफर्स, टेस्ट ड्राइव, एक्सेसरीज, कंपैरिजन और बहुत सारी अमेजिंग वीडियोस। आज है हमारे पास इंडिया की द मोस्ट अफोर्डेबल सेवन सीटर, जो कि में प्रैक्टिकल भी है, जेन्युइनली प्रैक्टिकल गाड़ी है, बहुत सारे फीचर्स के साथ भी आती है, द रेनो ट्राइवर। अब ये AMT में आती है, कमाल की बात है, इतने कम प्राइस में बहुत सारे फीचर्स हैं, चाहे वो AMT हो, कूल ग्लव बॉक्स हो, रिक्लाइनिंग सीट्स हो, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हो, और आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वाली टच स्क्रीन भी मिल जाती है, फंक्शनल रूफ रेल्स मिल जाते हैं और 625 लीटर्स की बूट स्पेस भी। जी हाँ, आपने ये सब सही सुना है। इस वीडियो को डिटेल तक देखें, एंड तक देखें, क्योंकि डिटेल में हम कवर करने वाले हैं आज इस गाड़ी का द रिव्यू, द कार गाइड स्टाइल, जिसमें हम वॉक अराउंड एनालिसिस करेंगे, रियल लाइफ माइलेज से लेकर कम्फर्ट, इंजन की पावर, AMT ट्रांसमिशन इसकी कैसी है, साथ के साथ इतनी लंबी गाड़ी आपको चाहिए या नहीं चाहिए, कौन सा मॉडल इसका लेना चाहिए, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो इस वीडियो के अंत तक ज़रूर देख लें। वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप पंजाब से हैं और आपको एक नई गाड़ी लेनी है जिसमें आपको चाहिए बेस्ट रेट्स, क्विकेस्ट डिलीवरी और टेस्ट ड्राइव भी, तो आपको ये तीनों चीज़ें मैं दिलवा सकता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए अपना नाम, नंबर, लोकेशन यानी कि सिटी के साथ और गाड़ी जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं, चाहे वो कोई भी गाड़ी हो, चाहे वो रेनो की हो, स्कोडा की हो, फॉक्सवैगन, ह्यूंडई, कोई भी आपको गाड़ी लेनी हो पंजाब से हैं तो यहाँ पर मैसेज कर दीजिए, मेरी टीम आपको कॉल करेगी और आपको ये सारी चीज़ें दिलवा देगी। शुरू करते हैं इस गाड़ी के वॉक अराउंड से। तो आपको यहाँ पर प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, क्रोम लाइनिंग, प्रॉपर क्रोम की बड़ी सारी ग्रिल और स्किड प्लेट्स भी मिल जाते हैं SUV स्टाइल, इतनी कम प्राइस में, कमाल की बात है। नीचे आपको यहाँ पर भी क्रोम का काफ़ी अच्छा इस्तेमाल किया देखने को मिल जाएगा, प्लस आपको LED DRLs साथ में आपको मिलेंगे, यहाँ पर इंडिकेटर के ऑप्शन और थ्रो के लिए, बीम लाइट के लिए आपको एक हैलोजन बल्ब यहाँ पर दिया गया है। साइड प्रोफाइल पे आएंगे तो आपको यहाँ पर 15 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे, जिसका टायर साइज़ भी काफ़ी अच्छा है, बिकॉज 185/65 R15। इंडिकेटर्स आपको मिलेंगे यहाँ पर, ऊपर होते ज़्यादा अच्छा लगता, बट चलो इतना तो बनता है, कॉस्ट कटिंग करनी बनती क्योंकि आपको बहुत कुछ मिल रहा है इस प्राइस में। ORVM आपको पूरे बड़े साइज़ का मिल जाता है, पूरे चलते रहेंगे तो यहाँ पर फंक्शनल रूफ रेल्स मिल जाते हैं, यहाँ पर आप जेन्युइनली अपना सामान रख सकते हैं। काफ़ी लंबी गाड़ी यहाँ पर देखने को लगती है, 3995 mm ही। यहाँ पर आपको एक बैच मिल जाएगा और ये क्वार्टर विंडो भी मिल जाती है, ताकि लास्ट कैबिन में जो बैठे हों उन्हें क्लॉस्ट्रोफोबिक फील ना हो, काफ़ी स्पेशियस फील हो, वो अंदर जाके बताऊंगा। यहाँ पर आपको लैंप्स मिल जाते हैं, आपको ईगल पीक डिज़ाइन इसको कंपनी कहती है, और डेफिनेटली बहुत अच्छे लगते हैं। ड्राइवर की बड़ी सारी बैजिंग मिल जाती है, रेनो का बैज भी मिल जाएगा, वाइपर भी मिलेगा, वॉशर भी मिलेगा, डिफॉगर्स भी मिलेंगे, हाई स्टॉप लैंप भी मिलेगा, आपको ये सब मिल जाएगा। हालांकि यहाँ पर एंटीना शॉक फिन नहीं है, आगे करके लंबे वाला एंटीना है, लेकिन ये चीज़ें के सेफ्टी में यानी कि डिफॉगर्स, वॉशर, वाइपर में कंपनी ने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है, कॉस्ट कटिंग वहाँ नहीं की है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। रिवर्स पार्किंग कैमरा सेंसर्स आपको यहाँ पर 3 मिल जाते हैं, कैमरा आपको यहाँ पर सेंटर में मिल जाएगा, फीचर्स कंप्लीट मिलते हैं, नो इश्यूज एट ऑल। बात करते हैं गाड़ी के फीचर्स के बारे में, तो यहाँ पर आपको टच स्क्रीन मिल जाती है विद ऑल द कंट्रोल्स, यही आपको रेनो काइगर में भी आएगी, विद एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले एंड म्यूजिक सिस्टम प्रॉपर आपका चलता है। लेट मी टर्न ऑन दिस रेडियो, मीडिया, ड्राइविंग, इको, फोन सेटिंग, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। वॉइस कमांड्स का बटन आपको यहाँ पर दिया गया है, आपको आगे अपनी विंडस्क्रीन को वापस मिस्ट हटानी, फॉग नरी नॉर्मल करना, तो इस पर कर सकते हैं। पार्किंग लाइट्स लॉक अनलॉक का आपको यहाँ से मिल जाएगा, AC कंट्रोल्स नीचे, स्टोरेज स्पेस आपको यहाँ पर, लेकिन स्टोरेज बाद में डिस्कस करते हैं। देन आपको मिल जाती है यहाँ पर वाइपर कंट्रोल्स, राइट साइड पर लाइट कंट्रोल्स, उसके अलावा ये जो स्टेयरिंग है ये आपको मिल जाता है, टेलीस्कोपिक नहीं, सिर्फ टिल्ट है, टेलीस्कोपिक आपको ये नहीं मिलेगा। चलो एक बार इसको ऐसे एडजस्ट कर देते हैं। नीचे आपको मिल जाएंगी USB और ऑक्स की ऑप्शन, ज़्यादा फीचर्स बताने वाले इसमें नहीं है, मैनुअल IRVM, यहाँ पर लाइट, वॉइस कमांड्स के लिए माइक, इसको नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको ग्लास मिल जाएगा, मिरर मिल जाएगा, सॉरी यहाँ पर भी नीचे करेंगे तो मिरर मिलेगा, लेकिन लाइट नहीं, लाइट आपको सेंटर में ही यहाँ पर एक येलो मिलेगी, उसके अलावा ओके चीज़ें हैं। अब बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी की, हार्ड प्लास्टिक, हर जगह हार्ड प्लास्टिक, लेकिन क्वालिटी वाइज ठीक है, अच्छी लगी। स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स इसमें नहीं आते हैं, लेकिन ओवरऑल स्टेयरिंग का है, जो हॉर्न है उसका बटन हो गया, या इवन ये वाले बटन हो गए, क्वालिटी इज़ मोर देन डिसेंट, अबव एवरेज, मैं इसको इजीली कंसीडर कर सकता हूँ। उसका मेजर रीज़न है प्राइस, मैं प्राइस के अकॉर्डिंगली आपको बता रहा हूँ। अभी से आप कंपीट करेंगे इसको ह्यूंडई क्रेटा वगैरह के साथ तो बात नहीं बनेगी, लेकिन जिस प्राइस में ही आती है उसमें आपको बहुत कुछ अच्छा चीज़ें मिल रही हैं। स्टोरेज स्पेसेस में एक यहाँ पर आपको जगह मिल जाएगी, नीचे आपको काफ़ी ह्यूज जगह मिल जाएगी, यहाँ पर नीचे आपको आर्मरेस्ट नहीं है, उसकी जगह पे कोल्ड स्टोरेज दी गई है,
अच्छी जगह पे वेंट है, अच्छी जगह स्टोरेज है, पीछे से भी एक्सेस कर सकते हो, आगे से भी। उसके अलावा आपको यहाँ पर एक ऊपर स्टोरेज मिल जाती है और उसके साथ साथ नीचे भी आपको कूल स्टोरेज मिल जाती है। और ट्रस्ट मी, ये काफ़ी बड़ा ग्लव बॉक्स है, आप देख ही सकते हो। और इसमें काफ़ी छोटे छोटे पॉकेट्स भी बनाई गई हैं जिसमें आप अलग अलग तरीके का सामान यहाँ पर रख सकते हैं। डोर साइड पर हालांकि ज़्यादा स्टोरेज नहीं है, एक बॉटल और साथ में थोड़ा बहुत टिश्यूज़ वगैरह वाला सामान रख पाएंगे। लेकिन ओवरऑल अगर स्पेस मैं यहाँ पर देखूँ हर जगह स्टोरेज की भी और वैसे बैठने भी तो मेरे को खुला खुला लगता है, बिल्कुल भी क्लॉस्ट्रोफोबिक या फिर बहुत टाइट नहीं फील होगा, ये बात मैं पक्का आपको कह सकता हूँ। नहीं तो ऐसा क्या होता है बजट कार्स में ना, जैसे छोटी गाड़ियाँ होती हैं जिसमें आपको लगता है कि छोटी गाड़ी में बैठे हैं, इसमें आपको ऐसा फील नहीं होगा, तो वो एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। बात करते हैं इसकी सेकंड रो के बारे में, सिर्फ रियर भी नहीं कह सकते बिकॉज अभी आपको और पीछे भी दिखाना है मुझे। तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी स्पेस मिल जाती है, लेगरूम इज़ क्वाइट डिसेंट। तीन लोग बहुत कंफर्टेबली नहीं बैठ सकते लेकिन तीन लोग डेफिनेटली बैठ पाएंगे। आप यहाँ सोच रहे हो कि यार एसी वेंट्स तो यहाँ मिलते नहीं, ऐसा नहीं, यहाँ नहीं है, साइड्स पर आपको पिलर के ऊपर डेडिकेटेड एसी वेंट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे जिसे आप ओपन एंड क्लोज ऑफ कोर्स कर सकते हैं। 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है आपको फॉर योर चार्जिंग नीड्स, और हम्प यहाँ पर नहीं है विच इज़ अ रियली रियली गुड थिंग। हाई ग्राउंड क्लीयरेंस की वजह से आपको हम यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा और तीन लोग यहाँ बैठ पाएंगे कंफर्टेबली। अच्छी चीज़ ये है कि आपको इस पर रिक्लाइनिंग फीचर भी मिल जाता है, तो मैं अपना रिक्लाइन भी इस तरह यूज़ कर सकता हूँ और कंफर्टेबली लॉन्ग ड्राइव पर जा सकता हूँ। अब पीछे चले, बात आती है थर्ड रो की, तो वहाँ जाना कैसे है इसको आप थोड़ा सा स्विच करेंगे और ये सीट बहुत ही ईजिली कोई बच्चा भी कर सकता है एक फिंगर से भी, और आप ईजिली यहाँ पर बैठ पाएंगे। लेट्स सी कितनी स्टोरेज आपको यहाँ पर मिल जाती है। अभी मैं इस सीट के पीछे चलता हूँ बिकॉज मैंने इसको रिक्लाइन किया था और मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। ऑफकोर्स ये बड़े लोगों के लिए नहीं है, हालांकि अगर मैं इसका रिक्लाइन थोड़ा सा ठीक कर दूँ इस लेवल पर तब मेरे को फिर भी एक पूरी पूरी जगह मिल जाती है। मैं आपको अंदर से भी दिखा देता हूँ, थोड़ी ज़्यादा जगह होती है अच्छा लगता है, लेकिन इस साइज़ की गाड़ी के हिसाब से छोटे बच्चे पीछे बैठना चाहते हैं रियली थम्स अप। अच्छी चीज़, एसी वेंट्स आपको थर्ड रो के लिए भी डेडिकेटेड मिल जाते हैं। 12 वोल्ट सॉकेट भी मिलेगा राइट साइड पे, सॉरी लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे आपको कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ थोड़ी सी स्टोरेज मिलेगी। यहाँ पर भी आप हैंडल है और आपको क्वार्टर विंडो यहाँ पर भी मिल जाएगी। पीछे की तरफ मेन बात ये है कि 12 वोल्ट का सॉकेट आपको एक तरफ मिल रहा है और एसी वेंट्स भी। यहाँ पर तीन छोटे बच्चे हैं वो भी बैठ जाएंगे, दो तो बैठ ही सकते हैं, बस हाइट थोड़ी कम होनी चाहिए उनकी, तो नहीं तो और कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, चाहे वारंटी, आफ्टर सेल सर्विस और व्हाट नॉट। अब इसमें मैं बताना चाहूँगा, वारंटी आपको मिलती है मेंटेनेंस वाइज 2 ईयर्स 50,000 किलोमीटर्स, थोड़ी सी कम है दिस इज़ व्हाट आई फील, लेकिन आप इसमें डेफिनेटली एक्सटेंडेड परचेज कर लीजिए, ज़्यादा प्राइस उसका नहीं आएगा। एक्सटेंडेड वारंटी आपको डेफिनेटली ड्राइवर के साथ ले लेनी चाहिए। नेक्स्ट वुड बी द रीसेल वैल्यू, रेनो में आपको रीसेल वैल्यू अच्छी मिल जाती है, स्पेशली डस्टर की अच्छी वैल्यू मिल जाएगी, तो ड्राइवर्स की भी उम्मीद है कि अच्छी मिलेगी बिकॉज फैमिली व्हीकल है, अच्छी रीसेल वैल्यू आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देन ऑफकोर्स द आफ्टर सेल सर्विस, अभी तक रेनो की तरफ से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, ना ही मैंने किसी की कंप्लेंट सुनी कि यार रेनो वाले सुन नहीं रहे या अच्छी सर्विस नहीं प्रोवाइड कर रहे, ऐसा सच आपको कोई इशू नहीं आएगा। तो ड्राइवर में भी आपको अच्छी आफ्टर सेल्स जो सर्विस है वो मिल जाएगी। कंपटीशन रेडी की बात करें तो डेफिनेटली कंपटीशन में बेस्ट है, विद ऑल द फीचर्स, द डिज़ाइन एंड रेनो का बैच बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके आसपास और कोई गाड़ी 7 सीटर में तो नहीं आती है। पहला पॉइंट हमेशा की तरह हमारा आता है यहाँ पर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का, कि मुझे कैसा फील होता है। सेफ्टी सिक्योरिटी वाइज डोर्स जब हम इसको बंद करते हैं तब ओके ओके सी साउंड आपको एक मिलेगी, थोड़ा सा लगता है कि हाँ स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी है, जो क्वालिटी ऑफ स्टील है वो अच्छा यूज़ किया गया है। लेकिन अभी सेफ्टी के ऊपर ज़्यादा कमेंट करना इज़ नॉट अप्रोप्रिएट, हालांकि फील में मुझे ठीक ठीक ओके ओके एक एवरेज फील होता है, तो सिटी ड्राइव्स वगैरह के लिए बढ़िया रहेगी। बात करते हैं यहाँ पर अर्गोनॉमिक्स की, तो हर बटन वगैरह जितने भी प्लेसिंग की गई है वो बिल्कुल सही जगह पे है। ओआरवीएम एडजस्ट करने वो भी आप इजीली कर सकते हैं। गियर तो आपको ऑब्वियसली बार बार शिफ्ट नहीं करने पड़ेंगे, बट मैनुअल मोड पे जाना चाहते हैं तो आप कर पाएंगे। बटन्स हर जगह आपको सही जगह पर मिल जाएंगे, नो इश्यूज़ एट ऑल। बात करते हैं गाड़ी के स्टेयरिंग के बारे में, तो मुझे अच्छा लगता है जिस तरह से ये लाइट एक स्टेयरिंग है, सिटी में आपको किस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी एंड बड़े ईजिली आप गाड़ी को मैनूवर कर पाएंगे, नो इश्यूज़ एट ऑल। हाईवेज पे यानी कि हाई स्पीड्स पर ये थोड़ा सा स्टेबल भी हो जाता है, विच इज़ अ रियली गुड थिंग, आपको अच्छी एक राइड मिल जाती है, कॉन्फिडेंट राइड मिल जाती है। अब खड्डे आई गए हैं तो सस्पेंशन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अंदर आपको थोड़ी थोड़ी नॉइस डेफिनेटली अंदर आती है, ऐसा मैं नहीं कहूँगा बिल्कुल नहीं आती, लेकिन एक अच्छी क्वालिटी की सस्पेंशन यहाँ पर मिल जाती है। स्टेयरिंग काफ़ी लाइट वेट है, आप देख सकते हैं मैंने यू टर्न लेना तो मुझे कितना ईजिली मैं यू टर्न ले पा रहा हूँ। सस्पेंशन में नॉइस ठीक ठाक है,
बहुत थोड़ी जाती है और आपको फील भी ज़्यादा जर्की अंदर महसूस नहीं होता, विच इज़ अ रियली रियली गुड थिंग। और आप एक कॉन्फिडेंट के साथ साथ कंफर्टेबल राइड इंजॉय करते हैं। हाईवेज पे थोड़ी सी स्टिफर साइड हो जाती है, जिससे आपको एक अच्छी स्टेबिलिटी यहाँ पर मिल जाएगी। सस्पेंशन में बॉडी रोल की बात करें तो थर्ड रो में थोड़ा सा बॉडी रोल आपको फील होता है हाई स्पीड्स पे जब आप कॉर्नरिंग करते हैं, सेकंड रो में उससे कम हो जाता है, फर्स्ट में उससे कम हो जाता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का सारा खेल है अगर हम बेसिक फिजिक्स की बात करें। बात करते हैं विजिबिलिटी की, तो एक चीज़ इसमें निराश वाली ये है कि मुझे फ्रंट बोनट बिल्कुल भी नज़र नहीं आता है, वो एक थोड़ा सा ड्रॉबैक यहाँ पर मैं इसको डेफिनेटली कंसिडर करता हूँ। आई होप आता होता तो मज़ा आ जाता। आईआर वीएम भी थोड़ा सा छोटा है लेकिन विंडो पेन के हिसाब से बिल्कुल ठीक रहता है, जो पीछे ग्लास आपको मिल जाता है उस अकॉर्डिंगली ठीक है। जो ORVMs हैं उनका साइज़ अच्छा है, उधर से मुझे कोई कंप्लेंट नहीं है एज सच, और आपको एक बढ़िया साइज़ और बढ़िया विजिबिलिटी यहाँ पर देखने को मिल जाती है। बात करते हैं ड्राइवर्स कंफर्ट की, यानी कि मेरे कंफर्ट की, तब आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छा एक ड्राइव कंफर्ट मिलेगा, बिकॉज आपको लेग सपोर्ट अच्छा मिल रहा है, थाई सपोर्ट आपको अच्छी मिल रही है और आपको लेग रूम भी काफ़ी एक सही मिल जाता है, इधर उधर स्ट्राइक कहीं पर नहीं करता। ड्राइवर्स कंफर्ट में अच्छी बात यह है कि मुझे यहाँ पर डेड पेडल भी मिल रहा है, तो एक कंफर्टेबल राइड यहाँ पर मिल जाएगी। बात करते हैं एक्सप्लोरेशन की यहाँ पर, तो एक्सप्रेशन वाइज डेफिनेटली थोड़ी सी प्रॉब्लम है, डिले भी आएगा स्पेसिफिकली AMT में, मैनुअल में डिले नहीं होता है लेकिन प्रॉब्लम रहती है, बट एक बार आप चल पड़ते हैं सही स्पीड पे तो एज सच आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ नहीं महसूस होगी। 72 PS का पावर महसूस आपको होता है, लाइक अच्छा लगता है कि हाँ ठीक ठाक मेरे पास पावर है। लेकिन वही बात आ जाती है कि जितनी आप यहाँ प्राइस पे कर रहे हैं उसके हिसाब से तो आपको काफ़ी अच्छी यहाँ पर पावर जो है वो मिल रही है, और पावर के साथ साथ फीचर्स आपको ज़्यादा अच्छे मिल रहे हैं, तो वो डेफिनेटली एक अच्छा नंबर मैं इस वजह से इस गाड़ी को दे सकता हूँ। रही बात इसके ट्रांसमिशन की, जो की हाईलाइट है यहाँ पर, बिकॉज AMT का ही रिव्यू करने आए हैं तो AMT के बारे में बात ना करें ये कैसे हो सकता है, तो डेफिनेटली AMT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के मामले में एक सबसे एंट्री लेवल सेगमेंट में आ जाती है, और एंट्री लेवल कार्स में भी आपको AMT ही ऑफर किया जाता है। उसका रीज़न है इसकी लो कॉस्ट, लो कॉस्ट के साथ क्या आती है, लो एफिशिएंसी और लो ही क्वालिटी थोड़ी सी, तो आपको डेफिनेटली जो डिले है वो महसूस होता है अब ये, और वो 2 से 2.5 सेकंड का डिले है, वो गैप है जो आपको महसूस होगा कि गियर शिफ्ट हो रहे हैं। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह सकता कि आपको गियर शिफ्ट यहाँ फील नहीं होते, इससे भी थोड़े 19-20 के फ़र्क से बेहतर AMTs मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन इस प्राइस में बिल्कुल भी नहीं, उनकी प्राइस भी फिर थोड़ी सी ज़्यादा है। तो इस टर्न में मैं आपको डेफिनेटली कह सकता हूँ कि अच्छा आपको एक पैकेज पूरा मिल जाता है AMT का, जिनको मैनुअल चलाने में प्रॉब्लम है या सिटी में चलानी है और एक बड़ी गाड़ी चाहिए जिसमें लगेज स्पेस भी अच्छी हो और कम्फर्ट भी अच्छा मिल जाए, तो डेफिनेटली आप इस गाड़ी को कंसिडर कर सकते हैं। तो ये था मेरी तरफ से डिटेल रिव्यू द कार गाइड स्टाइल ऑफ द रेनो ट्राइबर AMT वर्जन। बहुत जल्द आपके लिए अगली रेनो गाड़ियों की भी आ जाएंगे, जैसे रेनो काइगर आने वाली, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इसी तरह की अमेजिंग कार्स की न्यूज़ ऑफ टेस्ट एक्सेसरीज के लिए भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, बिकॉज मैं और मेरी टीम आपके लिए काफ़ी मेहनत करती है इसी तरह की डिटेल रिव्यूज़ और कंपैरिजंस लेकर आने के लिए। तो सब्सक्राइब तो बनता ही है, लाइक कर दें, नीचे करें कमेंट आप इस गाड़ी के बारे में क्या सोचते हैं, आप हमारे चैनल के बारे में क्या सोचते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपका ओपिनियन जानकर। तो ये था सारी आज का रिव्यू, उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, अंटिल देन ड्राइव सेफ एंड टेक केयर, बाय बाय।